छोड़ कार से करना पड़ता था 1000 किलोमीटर तक का सफर। 6 घंटे में 3500 खर्राटों और 453 बार जागता था दिमाग। जहन्नुम बन गई थी जिंदगी। 40 साल के एक शख्स के लिए जानलेवा बना मोटापा। 1 मिनट 10 सेकंड तक के लिए थम जाती थी सांसें। 1 रात में 453 बार जागता था दिमाग। ये है झारखंड के रहने वाले कोल मर्चेंट मुकेश कुमार। मुकेश कुमार का अपने इलाके में अच्छा खासा रसूख है, लेकिन इनके मोटापे से पनपी बीमारियों ने उन्हें इस तरह घेर लिया कि वो अपना वजूद ही खोने लगे थे। मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों ने उन्हें विकलांग बना दिया था। खर्राटों से बुरी तरह परेशान मुकेश कुमार का ट्रेन में सफर करना दुश्वार हो गया था। ट्रेन में सफर के दौरान भले ही मुकेश कुमार सो जाते थे, लेकिन उनके खर्राटों की खर खर से पूरी बोगी जाग जाती थी। सफर में काफ़ी परेशानियां मुझे महसूस होती थी, खास करके ट्रेन वगैरह में। कारण ये था खर्राटा। कमोबेश यही हाल हवाई सफर का भी था। ऐसे में मुकेश कुमार को 1000 किलोमीटर तक का सफर अपनी कार से सड़क के रास्ते ही तय करना पड़ता था कि मैं ट्रेन में नहीं सफर करूंगा। अगर 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊपर का भी सफर है तो मैं अपनी निजी गाड़ी में सफर करूं। लेकिन आधे घंटे की सर्जरी ने उनका दामन खुशियों से भर दिया। सर्जरी के तीसरे दिन ही मुकेश कुमार जमकर चादर तान कर सोए। उनकी ये नींद करीब 4.5 साल बाद सुकून की नींद थी। मुकेश कुमार वैसे तो शुरू से ही हेल्दी थे, लेकिन साल 2012-13 के बाद कारोबार की व्यस्तता और खानपान में हुई गड़बड़ी के चलते उनका मोटापा तेजी से बढ़ने लगा। एक असहज दिनचर्या रही है हमारी अपने जीवन यापन में, तो बेसिकली वो बहुत बड़ा एक ग्रीवेंसेस रहा है कि वेट को बढ़ाने में कभी डिसकंटिन्यू हुआ खाना और खाए तो बहुत जम के खा लिए। 2013 के बाद तो हालात बेकाबू हो गए। अब मुकेश कुमार का वजन 131 किलो हो चुका था। बैठे बैठे कारोबार के वक्त हर कभी सो जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कारोबार में तेजी से गिरावट आने लगी और दिमाग चलना भी कम हो गया। मुकेश कुमार रांची से लगाकर दिल्ली तक हर बड़े डॉक्टर को अपना दुखड़ा सुना चुके थे, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। तो स्लीप स्टडी टेस्ट में हमारे को फाइंड आउट किया उन्होंने कि 6 घंटे की नींद में मेरा तकरीबन 450-450 बार मेरा ब्रेन जगा है और यही मेरा बेसिक रीज़न है, और सांस का ऑब्स्टेकल हो रहा है खर्राटे के थ्रू, बहुत जोड़ों की आवाज़ आना और सांस का रुक जाना। उन्होंने कहा कि इसी प्रॉब्लम के चलते आपका इसकी सर्जरी है कि या तो आप वेट लॉस करो, नहीं तो आप हमारा ENT का सर्जरी है वो हम सर्जरी करेंगे। तो मैंने चूँकि ये वोकल कोड के पास की सर्जरी थी तो मुझे डर लगा कि कहीं वॉइस चले जाने का डर हो, और वहाँ उन्होंने कहा बताया कि चर्बी यहाँ क्लॉट कर गई है, फैट यहाँ क्लॉट कर गई है। काफ़ी असहज जिंदगी थी विकलांगों जैसी। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से नींद में ही मुकेश कुमार उठ बैठते थे, जिससे उनकी गर्दन जागने के बाद बुरी तरह दर्द करने लगती थी। एक दिन मुकेश कुमार अपने दोस्त के साथ फीडबैक लेकर सीधे इंदौर के मोहक अस्पताल आ पहुंचे। अपने तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद सर्जरी से 1 घंटे पहले उन्होंने अपना फोन मिलाया और पत्नी समेत पूरे परिवार को सर्जरी की खबर सुना दी। पूरा परिवार इस खबर को लेकर हैरान तो था ही, साथ ही कई सारे शक भी थे। और मैं घर में बिना किसी को बताए, इवन एट मैंने अपनी वाइफ तक को भी नहीं बताया, मैं सिर्फ बोला कि इंदौर जा रहा हूँ चेकअप के लिए। और यहाँ मैं 25 मई को एडमिट हुआ था, 25 मई 2017 को मेरा सर्जरी हुआ, और उस सर्जरी में मैंने सर्जरी के 1 घंटा जाने पहले सब अपने घर वालों को खबर किया कि मैं सर्जरी में जा रहा हूँ। फाइनली ये खुद से डिसीजन लिया, हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि पता होता तो शायद हम लोग आने नहीं थे, सच्चाई है। लेकिन ये एकदम जिद करके उस दिन निकले, सुबह में दिखा ऐसे कि देखो ये मोहक हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, सर्जरी होती है, डॉक्टर मोहित भंडारी करते हैं। बोले ठीक है ऐसा बहुत होता है। फिर ये अपना गए जरा बाहर से आ रहे हैं, तो हमने फ़ोन किया कि जरा आते खाना खा लीजिए, 3 बज गया। अब तो हाँ हमारे तुम पैक करो, हमको इंदौर जाना है, मेरा कपड़ा और खाना निकालो। हम लोग इंदौर क्यों जाएंगे, तो बस ऐसे
ये आए और ये घर से निकल कर अपने फ्रेंड के साथ एक सर्कल के दोस्त हैं, जबकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये जाएँ। घर में थोड़ा टेंशन वाला माहौल भी हो गया। फिर यहाँ आके फ़ोन किए कि हम सर्जरी करवा रहे हैं। बोले क्या तरीका बस सर्जरी करें, बहुत रोना गाना बहुत। फिर अभी 2-3 महीना हो गया तो लग रहा है नहीं ठीक है, कम से कम सो पाते, सबसे बड़ी बात कि अभी रात भर सोते हैं। ऑपरेशन के महज 3 दिन बाद ही मुकेश कुमार ने चैन की नींद ली और 4.5 साल बाद उन्होंने नींद का भरपूर मजा लिया। अब न सिर्फ मुकेश कुमार बल्कि उनका पूरा परिवार मुकेश कुमार के इस बदलाव को लेकर बेहद खुश नजर आ रहा है। पहले 48 की साइज का कपड़ा भी उनके लिए फिट नहीं था, लेकिन अब 40 के कपड़े फिट आने लगे हैं। कारोबार एक बार फिर रनवे पर तेजी से टेक ऑफ करने के लिए दौड़ रहा है, तो परिवार में खोई हुई खुशियां वापस लौट आई हैं। मायके में सबने कहा कि एकदम, मेरी माँ से जाके मेरे चचेरे भाई ने कहा कि कहुना एकदम दूल्हा लग रहे हैं, कहुना बहुत यंग हो गए हैं, बच्चे भी खुश हैं, आप स्लिम हो गए हैं। डॉक्टर मोहित भंडारी ऐसे कई टिपिकल केसेस हैंडल कर चुके हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि मुकेश कुमार की सीपेप मशीन को वो हमेशा हमेशा के लिए मुकेश कुमार की जिंदगी से गुडबाय करवा देंगे। हुआ भी ऐसा ही। मुकेश कुमार जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो वो अपनी सीपेप मशीन जरूरतमंद के लिए यही डोनेट कर गए। केस था धनबाद से आए थे हमारे पास, और चूंकि यूजुअली जो बिहार के मरीज रहते हैं वो यूजुअली दिल्ली जाते हैं, इनको स्लीप एपनिया के लिए एक मशीन लगती थी जिसको हम सीपैप मशीन कहते हैं, और रात भर ये मशीन चलती थी और इसके कारण उनको, उसके बिना वो सो नहीं पाते थे, और इस मशीन से उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना चालू हो गए थे, जिसको हम, पहला कॉम्प्लिकेशन होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, मतलब जो लंग्स की धमनियाँ रहती वो इतनी ज़्यादा उनका प्रेशर बढ़ जाता है कि लंग्स के सब इन्फेक्शन होना चालू हो जाते हैं, और चूंकि ये बहुत तेज़ी से एयर अंदर जाती है पेट में तो पेट का साइज़ बढ़ जाता है और वजन भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये मशीन लेके मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे बोला था कि मैं बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुका हूँ, सब लोगों ने बोला है कि अगर आपने मशीन बंद नहीं करी तो अब आप हार्ट फेलियर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जैसे ही 15 से 20 किलो वजन व्यक्ति का जाता है, मशीन छूट जाती है, क्योंकि मशीन लगती है इसलिए कि मोटापा गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका होता है। जैसे ही 15 किलो वजन कम होता है, लंग्स पे से भार कम होता है, डायफ्राम जो लंग्स और पेट के बीच की, एब्डोमिन के बीच की झिल्ली है, वो थोड़ी नीचे आना चालू होती है, उससे लंग को फैलने का और फेफड़ों को फैलने का जो एरिया मिल जाता है मोटापा कम होने का। तो हमने वो सर्जरी करी और करीब 1 महीने में उन्होंने 15 किलो वजन कम किया और मशीन सही में छूट गई। इतना अच्छा उनका वेट लॉस था कि 5 किलो हमने हॉस्पिटल में जब वेट लॉस दिया तो बिना मशीन के इस हॉस्पिटल में वो मशीन डोनेट करके गए कि अगर किसी मरीज को फ्यूचर में मशीन लगती है जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उसको दे दीजिए, आपकी इस सर्जरी के कारण अब मुझे इस मशीन की ज़रूरत नहीं है। और उनको इस सर्जरी के पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था, बार बार उन्होंने सवाल मुझसे किया था कि सर जब दिल्ली और बॉम्बे में मुझे सब ने मना कर दिया है तो आप कैसे इस सर्जरी से मुझे, इतने सालों से जो मैं मशीन इस्तेमाल में ले रहा हूँ उससे आप मुक्ति दिला देंगे। लेकिन इस सर्जरी का जो फ़ायदा उनको मिला, वेट लॉस जो हुआ और साथ में उन्होंने भी जो इसको स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो किया, उससे उनको बहुत बेनिफिट इसमें मिला। हम आपको बताते हैं कि आखिर बैरेटिक सर्जरी क्या है और इसे कैसे पूरा किया जाता है। बैरेटिक सर्जरी में औसत से ज्यादा मोटे लोगों की आंत को छोटा कर दिया जाता है, जिससे उनकी खुराक भी बेहद कम हो जाती है और चर्बी गलने लगती है। इसमें पेट का आकार हम लोग छोटा करते हैं और कुछ खाना बाईपास करते हैं जैसे कि शक्कर और फैट। ये उन मरीजों के लिए की जाती है जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी या गंभीर मोटापा होता है। साधारणतः जो मोटापे को अगर हम ग्रेड करें तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी होती है और एक ओवरवेट होती है। ओवरवेट श्रेणी में ये सर्जरी नहीं की जाती, बट ऐसे मरीज जिनकी ओबेसिटी एक गंभीर रूप ले चुकी है, मतलब उन्हें ओबेसिटी के कारण दूसरी तकलीफें होना चालू हो गई जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सांस लेने की गंभीर बीमारी, ऐसे मरीजों के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, दूरबीन पद्धति से पेट का आकार छोटा करना और खाना बाईपास। ये सर्जरी महज आधे से 1 घंटे की सर्जरी होती है। इसे रोबोट के जरिए या फिर मैन्युअली भी पूरा किया जा सकता है। सर्जरी से टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, दिल की बीमारी, शरीर के जोड़ों में दर्द, पैरों की सूजन और थायराइड जैसी कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं होता। हाँ,
16 साल से कम उम्र के बच्चों में जब तक मोटापे से कोई गंभीर बीमारी का खतरा नहीं होता तब तक इस सर्जरी को लगभग अवॉइड किया जाता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। पहली बीमारी जो सबसे कॉमनली देखने में आती है वो है टाइप 2 डायबिटीज। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट से संबंधित सभी बीमारी, सांस लेने की बीमारी जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, महिलाओं में महावारी की तकलीफ इरेगुलरिटी और जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि की बीमारी, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, डिप्रेशन और नर्वसनेस। इसके अलावा मोटापे से संबंधित कई तरह के कैंसर होते हैं, जैसे पित्ताशय का कैंसर, गर्भ का कैंसर, पेट का कैंसर, ये सब मोटापे से ये बीमारियाँ होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये बीमारियाँ पहली स्टेज में हो जाएं, लेकिन जिसको गंभीर बीमारी, गंभीर मोटापे से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें देखा गया है इनमें से 6 से 7 बीमारियाँ जितनी मैंने बोली हैं इनमें से कुछ बीमारियाँ आपको मिलेंगी जुड़ी हुई। सर्जरी इन सब बीमारियों की जड़ पे है मोटापा। अगर मोटापा खत्म होता है तो उससे डायबिटीज़ ठीक होती है, क्योंकि मोटापा में जो फैट शरीर में आता है उससे इंसुलिन काम नहीं कर पाती। तो मोटापा जब खत्म होता है तो आप देखेंगे कि जरूरी नहीं 30-40 किलो कम हो, 5 किलो यदि वजन कम हो जाता है व्यक्ति का तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो गंभीर मोटापे के साथ खत्म होते से ही डायबिटीज़ ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सांस लेने की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जितनी दूसरी गंभीर बीमारियाँ हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार वो होता है जिसमें हम सिर्फ पेट की कैपेसिटी कम करते हैं, खाने की क्षमता को कम करते हैं, व्यक्ति खा नहीं सकता इतना ज़्यादा, इसको हम रेस्ट्रिक्टिव यानी कम करना वाली जो सर्जरी कहते हैं। एक होती है सर्जरी जिसमें कि हम खाना बाईपास करते हैं कि आप खा तो रहे हैं भोजन लेकिन जो शक्कर या फैट है वो शरीर में उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इसको हम माल अब्जॉर्प्टिव या जो चयापचय की क्रिया को प्रभावित करती है वो सर्जरी कहलाती है। तो ये 2 तरह की सर्जरी होती है और मरीज की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सर्जरी का निर्णय लिया जाता है। सर्जरी यूजुअली 1 घंटे में ये सर्जरी ख़त्म हो जाती है। दूरबीन पद्धति से होती है तो कोई बहुत ज़्यादा चीरफाड़ सर्जरी में या रक्तस्राव या लंबा चौड़ा काम नहीं होता। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सर्जरी हम बहुत कम समय के बेहोशी में, एनेस्थीजिया में हम ये सर्जरी कर पाते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा मरीज इस सर्जरी में अंदर नहीं रहता और 3 से 4 दिन में मरीज की छुट्टी भी हो जाती है। देखिए, हमने मोहक बेरियाट्रिक सर्जरी सेंटर पे 2 प्रयास कर रहे हैं जो बहुत अहम रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले, हमारी एंटायर केयर पेशेंट सेंट्रिक है। हम पेशेंट जब हमारे यहाँ एंटर करता है उससे लेकर जब तक वो बाहर जाता है हमारा पूरा ध्येय रहता है कि वो सेटिस्फाइड रहे और वजन तो उसका कम हो ही, पर वजन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कम। आज वजन कम करने की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में चल रही हैं, सबको पता है उनसे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हमने हमारा ध्येय रखा है कि मरीज यदि मोहक अस्पताल में आ रहा है तो मोटापे से तो मुक्ति पाए, बीमारियों से भी मुक्ति पाए और उसको कोई तकलीफ या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इट्स अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके पूरे शरीर को, उसकी बॉडी को, उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, ये सर्जरी हमारे यहाँ आज इतने ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम्स में हो गई है तो टीम की जो ट्रेनिंग हो गई है वो बहुत अच्छी हो गई है। इसीलिए कोई भी हाई रिस्क पेशेंट जो हम देखते हैं कि बॉम्बे और दिल्ली में सर्जन मना कर देते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत हाई रिस्क है, इसको हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो सर्जन खुद अगर मोटापे की सर्जरी कर रहे होंगे तो वो इंदौर रेफर कर देते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ की टीम ने इस तरह के केसेस करे हुए हैं। मैं 350 किलो की एक लेडी का आपको उदाहरण दूंगा जो किसी भी अस्पताल की OT टेबल पर नहीं आई, 2 बार किसी अस्पताल की OT टेबल पर गई और उसको वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया, हमारे अस्पताल में आई, हमने उसकी बेड पर ही सर्जरी कर दी। तो ये जो एक टीम की ट्रेनिंग होती है, जब आप 10,000 केस का एक्सपीरियंस आपके हाथ में आता है उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, जो पॉजिटिविटी आती है, उसका हमको एक बेनिफिट मिल रहा है। बेरियाट्रिक सर्जरी की बात, किस तरह एक शख्स की जिंदगी बदल गई। मुकेश कुमार एक है लेकिन उनकी तरह की हजारों जिंदगी अब इसी तरह खिलखिला रही है। आपने सुना और समझा कैसे होती है बेरियाट्रिक सर्जरी, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे सीधे ऑपरेशन थिएटर और दिखाएंगे सर्जरी लाइव। रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी कैसे होती है, क्या रोबोट सर्जरी करता है कि सर्जन खुद रोबोटिक सर्जरी करता है, ऐसी बहुत सारी मिथ्या पूरी सोसाइटी में चल रही है रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो मोटापे का निवारण रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कैसे होता है, इसके लिए आज हम आपको पहली बार एक ऑपरेशन थिएटर में लाइव लेके जा रहे हैं, जहाँ पर आप मुझे देखेंगे रोबोटिक सर्जरी करते हुए और किस प्रकार से उससे मोटापा दूर किया जाता है। सर्जरी को करने के लिए काफ़ी सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हमारे अस्पताल में लगे हुए हैं।
15 करोड़ रुपए की रोबोटिक सर्जरी की मशीन जो डा विंची सर्जिकल सिस्टम के नाम से जानी जाती है। इस मशीन की खासियत यह है कि इस मशीन में सर्जन मरीज के पास खड़े रह के ऑपरेशन नहीं करता, बल्कि दूर एक कंसोल पे बैठ के ऑपरेशन करता है। और कंसोल में जब वो देखता है तो जैसे हम बाइनाक्यूलर में देखते हैं, वैसे ही उस कंसोल के अंदर हम देखते हैं, तो उसमें हमको एक 3 डायमेंशनल विजन देखने को मिलता है, जो बहुत ही एक साफ सुथरा क्लियर विजन देखने को मिलता है, जिससे हमको शरीर के छोटे से छोटे अंग और टिश्यू, उत्तक के बारे में जानकारी मिलती है, ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो भी मोटापे की सर्जरी करते हैं वो सर्जन ही स्वयं करता है, लेकिन चूंकि इस मशीन का जो विजन है, जो कंसोल है, जहां हम शांति से बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं, खड़े रहकर घंटों ऑपरेशन नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि कुर्सी पे बैठ के, जैसा कि अब आप देखेंगे, कुर्सी पे बैठ के बहुत शांति से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो करने को रोबोटिक मशीन कहते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का यह है कि एक सर्जन के हाथ की एक लिमिटेशन होती है, उसके हाथ में कुछ कंपन या ट्रेमर्स जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, उसके हाथ का जो रिस्ट मूवमेंट होता है, जो हाथ की मूवमेंट, वो एक लिमिटेड रिस्ट मूवमेंट होती है। साधारण तौर पे जब आप और हम हमारी रिस्ट को मूव करते हैं तो 90-120 डिग्रीज की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलती है, लेकिन जब हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा ये सर्जरी करते हैं तो हमें 360 डिग्री यानी कंप्लीट रिस्ट मूवमेंट की फ्रीडम मिलती है। इससे शरीर के किसी भी हिस्से में टांके लिए जा सकते हैं, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टांके आप सही हिस्से में लेते हैं। आप चूंकि 3 डायमेंशनल विजन में पूरे टिश्यू को देख रहे हैं आप, तो आपकी जो एक्यूरेसी के साथ साथ आप जिस चीज़ के ऊपर काम करना है उस चीज़ के ऊपर काम कर पाते हैं। ब्लीडिंग या रक्तस्राव जो साधारणतः हम देखते हैं सर्जरीज में होता है, बिल्कुल नहीं होता, और इन सब चीज़ों के कारण मरीज जल्दी घर चले जाता है। तीसरा एडवांटेज जो हमारे थिएटर में, हमारे इक्विपमेंट्स में है, वो ये है कि हमारे जो स्टेपलर्स इस पर्टिकुलर सर्जरी में, मोटापे की सर्जरी में, क्योंकि हम चूँकि पेट का आकार हम छोटा कर रहे हैं और खाने को हम बाईपास कर रहे हैं, तो इस पूरी जो प्रक्रिया है इसमें स्टेपलर का इस्तेमाल होता है। स्टेपलर आंत को काटता है, पेट को काटता है। अब स्टेपलर का जो इस्तेमाल है, तो रोबोटिक सर्जरी में जो स्टेपलर है वो पावर्ड स्टेपलर्स हैं, जिसको हम मशीन ड्रिवन स्टेपलर्स बोलते हैं। ये हाथ से फायर होते हैं लेकिन ये मशीन से ड्रिवन है। तो उसी प्रकार से हम उदाहरण ले सकते हैं कि ये स्टेपलर्स इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि चूंकि मशीन है तो वो बहुत नाप तोल के टिश्यू की थिकनेस को असेस करके वो स्टेपलिंग होती है, तो फिर कभी ब्लीडिंग नहीं होती, कोई लीक या किसी भी प्रकार का उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोबोटिक वेट लॉस सर्जरी की जो मशीन है, ये दिल्ली मुंबई में भी बहुत जगह पे नहीं है, और जहाँ पर भी ये मशीनें लगी हैं वहाँ पर ये मशीनों की जो कॉस्ट मरीज से ली जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। साधारणतः ये ऑपरेशन दिल्ली या मुंबई में 10 लाख के आसपास कॉस्ट कर रहा है, जबकि इंदौर जैसी जगह पे 3.5 से 4 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है, जो आधे से भी कम है। और ये सुविधा हम लोग इंदौर में हमारे मरीजों को दे रहे हैं, तो रोबोटिक सर्जरी का लाभ, हमारा ऐसा मानना है, हमारी संस्था का ऐसा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि आज ये समय आ चुका है कि रोबोटिक सर्जरी का लाभ हर वर्ग के व्यक्ति को जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो मेट्रोज में या बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, और जो लोग बड़े शहरों में भी रह रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग इस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते 10 लाख रुपए की सर्जरी। हम इसको 3.5 से 4 लाख रुपए की रेंज में लेके आए हैं, तो रोबोटिक सर्जरी जो कि एक सेफ सर्जरी है, हम ये महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको ये सर्जरी मिले, और इसीलिए हम इसको लेके आए। इसीलिए दिल्ली मुंबई के लोग, और दिल्ली मुंबई क्या, विदेश से भी काफ़ी सारे लोग, अमेरिकन, यूरोपियन और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के लोग भी यहाँ पर फॉरेन पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। तक करीब 10,000 से ज़्यादा बेरियाट्रिक सर्जरी की जा चुकी है। सर्जरी के बाद सभी लोगों की जिंदगी खुशियों से भर चुकी है। मोटापे की बीमारी से ग्रस्त मरीज बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि मोटापे से छुटकारा दिलाने वाला ये सेंटर अब देश का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है।